बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल सदा नर को न जाती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। स्वाभाविक दूसरे के दोष को मन देखता निस दिन, स्वाभाविक दूसरे के दोष को मन देखता निस दिन। हजारों भूल जो अपनी नहीं वे दृष्टि आती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल सदा नर को न जाती है। स्वस तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है। स्वस तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मूली है। अधमता अपने मन किए नहीं वे दृष्टि आती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। बड़ा बनना गुरु बनना सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना गुरु बनना सरल विद्वान भी बनना। मगर मन की कुचाले जो न जल्दी जीत जाती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए, बिना निश्चय लगन उत्साह श्रद्धा भाव के आए। ये साधनहीन साधक को विषय भव में गिराती है। बिना सदाचरण धारे न कथनी काम आती है। यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वश कर, यदि सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वश कर। लखे अभिलाष निज दुर्गुण तभी मन शांति आती है। लखे अभिलाष निज दुर्गुण तभी मन शांति आती है।
बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रिया चंचल सदा नर को न जाती है। बोलिए सगुरु देव की जय। आए और कुछ विचारों को आगे बढ़े और आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ भक्त श्री रिसाल दास जी से कि आप भी इस अवसर पर अपना भी वक्तव्य हम लोग के भविष्य रखने की कृपा करें। बोलिए सतगुरु देव की जय। आवाज कम है। बोलिए सतगुरु अभिलाष देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। छह दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज समापन बेला में पूज्य गुरुदेव जी को आज हम सब पुनः एक बार याद कर रहे हैं। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान और उसका सिद्धांत पूरे दुनिया में इतने पावन और पवित्र है कि दुनिया के तमाम दर्शन और दार्शनिक सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत और ज्ञान के आगे नतमस्तक हैं। पूज्य गुरुवर्य सद्गुरु अभिलाष देव, सद्गुरु कबीर साहब के पावन पीयूष वाणी को उसी रूप में जन समाज को प्रस्तुत किया। उसमें कुछ लाग लपेट कुछ भी नहीं, जैसे को तैसे ऐसे सद्गुरु अभिलाष साहब जी को आज हम सब पुनः याद कर रहे हैं। एक कविता है मेरी, बस हम कहते रहते हैं यह जगत नहीं है घर किसी का, यह जगत नहीं है घर किसी का, हम सब कहते रहते हैं यह जगत नहीं है घर किसी का, हम सब कहते रहते हैं, फिर भी अपनों से बिछुड़ने का गम भी सहते रहते हैं, गम भी सहते रहते हैं। जब तक तन में सांस टिकी है, जब तक तन में सांस टिकी है, तब तक मेरा मेरा है। जब तक तन में सांस टिकी है तब तक मेरा मेरा है, और निकल गया जब आत्म तत्व, निकल गया जब आत्म तत्व, फिर तो रैन बसेरा है, फिर तो रैन बसेरा है। आत्म भाव में रह के सतगुरु, आत्म भाव में रह के सतगुरु जीवन अपना सफल कर गए। आत्म भाव में रह के सतगुरु जीवन अपना सफल कर गए। क्षण भंगुरता का संदेश देकर, क्षण भंगुरता का संदेश देकर भक्ति भाव से भव पार कर गए, भव पार कर गए। जीवन सफल वही कर लेते, जीवन सफल वही कर लेते जो समाज के खातिर जीते हैं। जीवन सफल वही कर लेते जो समाज के खातिर जीते हैं। ध्यान धारणा सतगुरु चरणों में जिनके पूरे जीवन बीते हैं, पूरे जीवन बीते हैं। आपकी सदप्रेरणा गुरुवर, आपकी सदप्रेरणा गुरुवर हरे समस्त संताप को, आपकी सदप्रेरणा गुरुवर हरे समस्त संताप को,
आज हम सब मिलकर के, आज हम सब मिलकर के नमन करते हैं आपको, नमन करते हैं आपको। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सब दो पद दोहरा दीजिए। मंगलकारी गुरु का नाम मनुआ भजले आठोयाम, मंगलकारी गुरु का नाम मनुआ भजले आठोयाम, मंगलकारी गुरु का नाम मनुआ भजले आठोयाम, मंगलकारी गुरु का नाम मनवा भजले आठोयाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री सत गुरु पद की बलिहारी, श्री सत गुरु की पद बलिहारी, श्री सत गुरु पद की बलिहारी, श्री गुरु पद की बलिहारी, होवे आवागमन विराम मनवा भजले आठोयाम, होवे आवागमन विराम मनवा भजले आठोयाम, मंगलकारी गुरु का नाम मनवा भजले आठोयाम, मंगलकारी मनवा नाम भनवा भजले आठोयाम, जो सतगुरु के शरण में आए, जो सतगुरु के शरण में आए, पाप ताप उनके विनसाए, पाप ताप उनके विनसावे, जो सतगुरु के शरण में आए, जो सतगुरु के शरण में आए, पाप ताप उनके विनसाए, पाप ताप उनके विनसाए, और सिद्ध होए सब काम मनवा भजले आठोयाम, और सिद्ध होए सब काम मनवा भजले आठोयाम, मंगलकारी गुरु का नाम मनवा भजले आठोयाम, मंगलकारी नाम मनवा भजले आठोयाम। अंतिम सतसंगत निर्मल जल धारा, सतसंगत निर्मल जल धारा, सतसंगत निर्मल जल धारा, सतसंगत निर्मल जल धारा, मन के मैल को धो ले सारा, 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 और हो जाओ पूरण काम मनवा भजले आठोयाम, और हो जाओ पूरण काम मनवा भजले आठोयाम, मंगलकारी गुरु का नाम 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 मनवा भजले आठोयाम। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। आज श्री अभिलाष साहेब जी के पुण्य स्मृति दिवस है और इस दिवस में हमको उनके अच्छे कार्यों का, अच्छे गुणों का स्मृति रखकर, उन्हें याद कर करके हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम देख रहे हैं कि जब श्री अभिलाष साहेब जी का यहाँ प्रोग्राम होता था, संकरी ही क्या कई ग्रामों में होता था, भयंकर भीड़ उत्पन्न हो जाता था। परंतु अब के जीवन में, अब के स्तर में ऐसा
जब प्रोग्राम होता है तो उपस्थिति बहुत कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये सब जो है हम ही लोगों के रुचि नहीं होने से या परंपरा को ठीक से नहीं निभाने से हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, इसलिए श्री पारख सिद्धांत थोड़ा सा मेरे विचार से लुप्त होता जा रहा है। अब इस लुप्त होते हुए पारख सिद्धांत को हमें आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके फिर से पहले की तरह ही हमें उमंग उत्साह से भरकर पूरे जगह प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए, क्योंकि बिना पारख सिद्धांत के आपका परिवार, आपके घर के झगड़े भी नहीं टूट सकता। ये आप देखा गया है, भाई भाई में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया तो वो कहाँ जाके टूटता है उसके झगड़ा और स्थिर हो जाता है। वहाँ के घर के जो मुखिया होता है वो मुखिया तर्क लगा करके, विवेक शक्ति को जागृत करके वहाँ के झगड़ों को शांत करता है। इस प्रकार से हमारे पारख सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व होता है झगड़ा शांत करने का, विवेक ज्ञान की बात को जानने का। आज का दिवस जो है स्मृति दिवस है, उन्हीं के उपलक्ष्य में, उनके संबंध में मुझे जो कुछ भी जानकारी है मैं उन्हें आपके सामने व्यक्त करूंगा। वैसे प्रेरणा मुझे कहीं से भी मिल गया है कि उनके स्मृति में मैं उनके जीवन चरित्र पर कुछ लिखूं और लिखता ही जा रहा हूं। अभी तक 40-50 पद मैं लिख चुका हूं, लेकिन उन 40-50 पदों को मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि समय कम रहता है, मुझे 10 मिनट के अंदर अपनी वाणी को विराम देना है। तो उनमें से मैं कुछ 20-22 पदों को अभी आपके पास पढ़ना चाहूंगा और कृपया ध्यान से सुने। राम सुमिरन नाम था आपका, बाद में श्री अभिलाष हुआ। राम सुमिरन नाम था आपका, बाद में श्री अभिलाष हुआ। 17 अगस्त 1933 उत्तर प्रदेश जन्म खास हुआ। श्री दुर्गादास था नाम पिता का, माता थी देवी जगरानी। महात्मा न कोई आपके जैसा, कालांतर में सब जग जानी। संग पाकर श्री राम सूरत का दिव्य जीवन प्रारंभ हुआ। कर न सका ऐसा न कोई, पारख शक्ति का ज्ञान हुआ। मन में कुछ वचनों में कुछ हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। अध्ययन मनन गहन विचार कर, वही कहते जो सदा सही थी। शिक्षा है आपके दिव्य जीवन का, कथनी करनी एक सूत्र में बंधे थे। मनसा वाचा कर्मणा एक समान, महात्मा का गुण सहज सधे थे। कर्म ऐसा किया है आपने, कभी हम भुला नहीं सकते। बदला तेरे एहसान का गुरुजी, कभी हम चुका नहीं सकते। देवता थे
गुरुदेव संयम के देवता थे, गुरुदेव संयम के संयम ही उनका उपास्य रहा। धारा प्रवाह बोलते फिर भी, धारा प्रवाह बोलते फिर भी अनावश्यक शब्द नहीं रहा। सबकी सुनते बड़े प्यार से, सबकी सुनते बड़े प्यार से, सुंदर हल देते थे आप। सब कहते थे प्यारे गुरुजी, बहुत सरल होते थे आप। याद आती है सदा वो दिन, सदा उत्साह उमंग में भुलाना, बड़े निराले सुंदर ढंग से, सुंदर वाणी मधुर सुनाना। गुरुजी आपकी प्यारी वाणी, गुरुजी आपकी प्यारी वाणी हर दिल को छू जाती थी, हर मन में पावन पावन सी शीतलता बिखराती थी। कबीर आश्रम पर गुरुदेव, कबीर आश्रम पर गुरुदेव, जब जब भी हम जाते हैं तेरे ही यादों की खुशबू हम वहाँ निरंतर पाते हैं, हम वहाँ निरंतर पाते हैं। कलयुग के इस कुटिल रात्रि में आप जलती हुई मिसाल हो गुरुदेव, वर्णन करूं मैं किन शब्दों में, संतों में आप विशाल हो गुरुदेव। शांति दूत बन आए धरा पर, शांति दूत बन आए धरा पर, राम सूरत की मूरत हैं आप। किए हैं भस्म पंच विकारों को, धरती पर स्वर्ग लाए हैं आप, धरती पर स्वर्ग लाए हैं आप। पारख बोध कराया आपने और बताया जीने का पथ, सुनाकर वाणी जन कल्याणी, गढ़ डाला कल्याण का पथ, गढ़ डाला कल्याण का पथ। बोली थी अति मधुर सुहानी, बोली थी अति मधुर सुहानी, नैनों में समाया नूर रूहानी, गूंजे की गुरुदेव युगों युगों तक, गूंजेगी गुरुदेव युगों युगों तक, जग में तेरी अमर कहानी, जग में तेरी अमर कहानी। कोई कोई लोग कहते हैं कि तेरे सिर पर कोई ताज नहीं था, कोई कोई लोग कहते हैं कि तेरे सिर पर कोई ताज नहीं था, पर ये तो बता जग के लोगों, किसके दिल पर उनका राज नहीं था। लाखों संत और ऋषि हुए पर न जाने कैसे कैसे, लाखों संत और ऋषि हुए पर न जाने कैसे कैसे, अभी हैं और आगे भी होंगे पर न होंगे गुरु तेरे जैसे। 26 सितंबर 2012 दिन बुधवार आकस्मिक देहावसान पड़ा, 26 सितंबर 2012 दिन बुधवार आकस्मिक देहावसान पड़ा। मोक्ष काम सब पूरा जिनका, आना जाना बंद पड़ा। दस वर्ष व्यतीत हो चुके
पर है मानो कल की बात, 10 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, सत सत नमन करते हम हुए अपूर्णीय क्षतियाघात, हृदय से है नमन आपको श्रद्धा सुमन समाया है, हृदय से है नमन आपको श्रद्धा सुमन समाया है, राह नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव जो राह तूने दिखाया है, जो राह तूने दिखाया है। कौन कहता है कि आप ब्रह्मलीन हो गए, कौन कहता है कि आप ब्रह्मलीन हो गए, चलाकर जादू प्रेम का स्वरूप लीन हो गए, चलाकर जादू प्रेम का स्वरूप लीन हो गए, हम भक्तों के आप नाथ हो गुरुदेव, आप आज भी हमारे साथ हो गुरुदेव, आप आज भी हमारे साथ हो गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोहर साहू जी को, जिन्होंने गुरुदेव जी के प्रशंसा में पद के माध्यम से हम सबको बताए। सदगुरु कबीर की साखी है, जस कथनी तस करनी जस चुम्बक तस ज्ञान। सदगुरु अभिलाष साहेब इस साखी के में पूरा खरा उतरते थे, जैसे उनकी वाणी वैसी उनकी रहनी, ये हम सब जानते हैं। जैसे बोलते थे वैसे उसका जीवन से झलकता था, हम सब जानते हैं उनके जीवन को, तो हम तो आस पास उसके साथ में रह करके हम सब देखे उनके वाणी के माध्यम से। आज देखो जन कितने कितने लोग उनके माध्यम से कल्याण का अपना काम कर रहे हैं। आज ऐसे सदगुरु के पावन निर्वाण अवसर पर आप सब इकट्ठा हुए हैं, आए और आगे विचार और सुने। मैं आगे निवेदन करता हूँ रूपदास जी मास्टर जी से कि आप भी इस अवसर पर कुछ अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। अब एक निवेदन आप सबसे, 5 से 10 मिनट के बीच में आप सभी को अपना वक्तव्य रखना है, क्योंकि बहुत लोग संतों के भी विचार सुनना है और कुछ भक्तों का भी विचार सुनना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है 5 से 10 मिनट के बीच अपना वक्तव्य रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। बुध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माता बहनों, आज सदगुरु अभिलाष साहेब जी की पुण्यतिथि है, उसके संबंध में कुछ कहना है। मैं सदगुरु अभिलाष साहेब के साथ 10 दिन के लिए कलकत्ता गया था 1977 में। वह घटना, उस समय की स्थितियां याद आती हैं, उन्हें आप सबके समय व्यक्त करूं। ऐसी सभा हाल में लगा हुआ था परम पूज्य प्रेम प्रकाश के यहाँ, माता थी उस समय। उनका दोनों का आग्रह था कि साहेब जी छत्तीसगढ़ से या कहीं से भी आएं तो बरसात में कम से कम 1 माह कलकत्ता में आप विराजमान हो। तो उनके आग्रह को स्वीकार करके साहेब जी हमेशा इलाहाबाद जाने के पूर्व 1 माह कलकत्ता में विराजमान होते थे। सभा लगी हुई थी,
सभा 10 से 11 तक, उसके बाद सब इकट्ठे मतलब उछल कर चले गए। इसी बीच मैं रुका हुआ था। रूपदास रुको बोले। उसके बाद कोने में बुलाया और टेप था बहुत बड़ा, उस टेप को उन्होंने शुरू किया और मुझे बोले कि रूपदास ये किसका किसकी आवाज़ है, पहचानो। मैं कहा कि पूज्य गुरुदेव ये आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव जी बोले देखो बेटा यह मेरा ही आवाज़ है और प्रथम 1954 में प्रथम मेरा यह भाषण है, प्रवचन है। अब ये प्रेरणा मुझे कब से मिली? गुरुदेव जी बताते थे कि बीजक में एक साखी है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। यह प्रेरणा मिली कि सदगुरु कबीर साहब किसी से दोस्ती भी नहीं रखते, न किसी से बैर भी नहीं रखते, लेकिन सबके ही चाहते हैं। इतनी बड़ी बात, और संसार के जीव इसी प्रकार से दुखित है जिस पर उन्होंने कहा है। तो मेरे मन में बात आया कि क्यों ना उनके वाणियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जब तक से मेरा श्वास रहेगा तब तक यह कार्य, कबीर देव का यह बात, उनकी वाणियों को प्रचार प्रसार करते रहूँगा। अब वास्तविक में उन्होंने वैसा किया भी। 25 सितंबर तक उन्होंने अपनी डायरी में पूरा लिखा हुआ है। 26 सितंबर को उनका श्रांत हुआ और उनकी याद हमेशा ताज़ा हो जाती है, याद करते हैं तो। यह उनके प्रति एक याददाश्त है मेरी तरफ से। उसके बाद उन्होंने पूज्य गुरुदेव राम सूरत साहेब जी के प्रति जो एक भजन उन्होंने लिखा था उसे मैं गा करके उन्हीं भावों को लेकर के मैं उनके भजन एक सुनाना चाहता हूँ। भुला दूँ तुम्हें मैं बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। मंद बुद्धि पामर कुटिला के समान, मान भोग बहु चाहुर महायंधय ज्ञान, सकल भांति से मैं अपावन महा हूँ, लगी मोहनी द्रा जगाना गुरुवर। भुला दूँ तुम्हें मैं बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। पाप अमित कृत मोर प्रभु कहिन जात ही खोर, जानत अंतर नाथ तुम छन छन मन भव डोल। बहा जा रहा हूँ मनोधार में मैं, अपने चरणों में लगाना गुरुवर। भुला दूँ तुम्हें मैं बालकपना है,
मगर तू मुझे ना भूला ना गुरुवर। देह मानयर भोग हित चूको बारंबार, प्रीति प्रतीति न रीति प्रभु नहीं प्रभु भक्ति तुम्हार। मेरे बालपन पर नहीं ध्यान दे कर, पड़ा दास पग में निभाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। जैसे नारी प्रसव दुख भूल विषय लवली, तैसे जग दुख भूल के फिर हो बिलीन। पड़े खानियो वाणी के बीच में स्वामी, जरा दृष्टि कर के उठाना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। चांद ही के चातक विपुल चातक चांद ही, मेरे सम तेरे अधिक तेरे सम मम एक। मेरे दीन जीवन के सूरत प्रभु हो, ये अभिलाष मेरा पुराना गुरुवर। भुला दूं तुम्हें मैं बालकपना है, मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। मगर तू मुझे ना भुलाना गुरुवर। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद भक्त राज रिसाल दास जी को कि आपने पद के माध्यम से भी और अपने विचारों के माध्यम से भी गुरुदेव जी के अपने अनुभव प्रस्तुत किए हम लोग के बीच। और आगे मैं निवेदन करता हूँ हम लोग के बीच अपने विचार रखने के लिए संत श्री हेमेंद्र साहब जी से कि आप भी इस अवसर पर कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। संत श्री हेमेंद्र साहब। बोलिए सतगुरु देव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, निरक्षीर विवेकी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं एम नन्हे मुन्हे बच्चों, पूज्यपाद गुरुदेव जी के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 तारीख से ही यह कार्यक्रम चल रहा है।
भाद्र एकादशी शुक्ल पक्ष हिंदी महीने के पूज्यपाद गुरुदेव जी का पुण्यतिथि है और अंग्रेजी महीने में 26 सितंबर आने वाले 26 सितंबर को मनाया जाएगा। तो आज हम लोग पूज्यपाद गुरुदेव जी को याद कर रहे हैं। वास्तव में सदगुरु कबीर साहेब जी को तो हम लोग देखे नहीं थे। सदगुरु कबीर साहेब जी 13वीं शताब्दी में हुए, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहेब जी को हम लोग उनका सानिध्य लाभ मिला। वास्तव में देखा जाए तो 20वीं शताब्दी का कबीर ही थे। कबीर साहेब का जो ज्ञान हमें मिला है पूज्यपाद गुरुदेव जी से ही मिला। हम बचपन से पूज्यपाद गुरुदेव जी के दर्शन करते आ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि हमारा जन्म एक कबीरपंथी घर में हुआ। बचपन से ही जब से हम नौश संभाला पूज्यपाद गुरुदेव जी के तस्वीर को हम देखते रहे। हमारे घर 3 महापुरुषों के तस्वीर थे, विशाल देव और सदगुरु श्री रामसूरत साहेब जी का तस्वीर जो व्हाइट में पहले होता था, एक फ्रेम में बंधा हुआ था, और पूज्यपाद गुरुदेव जी का वो भी व्हाइट में दूसरे फ्रेम में। बचपन से ही उनका हम दर्शन करते रहे और कबीर साहेब का तस्वीर हमारे घर में नहीं था। तो मैं तो ये बचपन में यही समझता था कि सदगुरु कबीर साहेब ये अभिलाष साहेब जी ही हैं। बचपन में मेरे उतनी अकल नहीं थी तो मैं यही समझता था कि अभिलाष साहेब को ही कबीर साहेब समझता रहा। एक बार की बात है, लगभग मेरी उम्र 25-26 साल की हुई होगी। एक शादी में मुझे जाना था। उस समय मुझे ज्ञान हो गया था कबीर पंथ के बारे में और पूज्यपाद गुरुदेव जी के कई बार उनके सत्संग उनका दर्शन का लाभ भी हुआ। राजिम में जब पहली बार पूज्यपाद गुरुदेव जी का छावनी लगती थी राजिम में, उधर जहाँ पोस्टमार्टम होता था वहाँ पर भी मैं बचपन में हम जाते थे पूज्य हमारे पिताजी के साथ में। राजिम के पुल के नीचे में भी हुआ था। उस समय हमको उतना ज्ञान नहीं होता था, पूज्यपाद गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन इतनी खुशी होती थी कि हम पूज्यपाद गुरुदेव जी को सुनने गए हैं, उनका ज्ञान अमृत हमको मिल रहा है। ज्ञान के नाम से हमको कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन खुशी होती थी कि हम गुरुजी का दर्शन किए, सत्संग में गए। तो मैं बता रहा था कि 25-26 साल की उम्र में एक बार मैं शादी में जाना था, तो मैं पंडरी जो कबीर आश्रम है जिसमें महंत है सर्वोत्तम साहेब जी, वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम होता था। नया पारा राजिम के कार्यक्रम के जस्ट 1 दिन बाद में मैं वहाँ गया और 3 पुस्तकें लिए। उस शादी में जाना था, लड़की शादी थी तो गिफ्ट देना था, तो मैंने उसको गिफ्ट के रूप में पैक करके देना चाहा। पहली बार मैं किसी के शादी में जा करके एक पूज्यपाद गुरुदेव जी के पुस्तकों को गिफ्ट के रूप में दिया। तो हुआ क्या, मैं स्त्री बाल शिक्षा और व्यवहार की कला और आप किधर जा रहे हैं, ये 3 पुस्तक खरीदा और उसको एक फैंसी स्टोर उसको गिफ्ट बनाने के लिए ले गया। और वहाँ एक मुसलमान, वो मुसलमान का दुकान था, तो उन्होंने पुस्तक को खोल खोल के देखा, भाई ये पुस्तक कहाँ से लाया। कहे हमारे गुरुदेव जी आए हुए हैं पंडरी में, उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि भी मेरे लिए भी ये पुस्तक चाहिए। तो मैं कहा पंडरी से मैं आया था शास्त्री मार्केट, वहाँ पर एक मुसलमान के दुकान में गिफ्ट बंधवा रहा था। तो उन्होंने कहा भाई
आपका पुस्तक को मैं गिफ्ट बना देता हूँ, जब तक कि आप ला सकते हो। पंडित कितना दूर है? तो मैं गया वहाँ से, उनके लिए तीनों पुस्तक लेके आए। तो आने के बाद में एक प्रश्न कर दिया उन्हें, और उतनी बुद्धि भी मेरी नहीं थी, कि आप बताइए कि अभी वर्तमान में कबीर साहब के गद्दी में कौन बैठा हुआ है। मैं थोड़ा देर सोचा और सोच के कहा कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी। मुझे पता नहीं था कि पूरे भारत में कई आश्रम हैं और सभी अपने अपने आश्रमों के महंत आचार्य होते हैं, इतना ज्ञान नहीं था। मैं यही समझता था कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी ही कबीर के गद्दी में बैठा हुआ था। मैंने ऐसा कहा तो वो मुसलमान थे और मुसलमान लोग भी कबीर को अपना पीर मानते थे। उन्होंने कहा नहीं, उसमें हमारे दादा के दादा ऐसा कुछ बताए, उसने भी अभी कबीर के गद्दी में बैठा हुआ है। तो मैं कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि मेरा वो गिफ्ट पैक हो गया था, लेकर के चला आया। तो मेरे मन में शुरू से ही पूज्यपाद गुरुदेव जी के प्रति अगाध प्रेम था, उनके प्रति श्रद्धा थी, और सौभाग्य से ऐसा अवसर मिला कि कम से कम 15 साल उनके सानिध्य लाभ मिला। गुरु जी के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटी छोटी बातों को भी गुरुदेव जी सिखाते थे। एक दिन की बात है, गुरु जी के साथ में हम लोग भ्रमण में थे उत्तर प्रदेश, 2004 की बात है, गोरखपुर जिला में गौरी बाजार है, वहाँ पर एक सत्संग हुआ 2 दिन का। तो मेरा ड्यूटी भंडारी में भोजन बनाने बना रहा था, गुरु जी को सत्संग में जाना था, तो भंडार घर तरफ घूमने चले आए सत्संग में जाने के पहले। तो मैं रोटी बना रहा था, उस समय गैस चूल्हा की ज़माना नहीं था कि लकड़ी में, मतलब चूल्हा में, लकड़ी वाले चूल्हा में रोटी बनाना होता था। तो मैं उसी रोटी से चिमटा से रोटी सेकता भी था और उसी चिमटा से कंडे वंडे भी छू लेता था। गुरुजी आके डांटे थोड़ा कि देखो ऐसा नहीं करते हैं, एक बाल्टी पानी रखो, जब भी आप लकड़ी या छेना को छुओ तो उस पानी से चिमटा को धो लो, क्योंकि आप रोटी बना रहे हो, पवित्र चीज जिसको सब लोग संत लोग ग्रहण करेंगे। तो उसी चिमटा से आप रोटी भी पलटा देते हो, उसी चिमटा से वो कर देते हो कंडे को भी। तो गुरुजी छोटी छोटी बातों को हमें सिखाते थे, ज्ञान की बातें। तो आप सब लोग जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जैसे ही उनका ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब का विचार वाणी सब कुछ हमको मिला, तो पूज्यपाद गुरुदेव जी के माध्यम से ही, और जो कुछ आज है तो उन्हीं की बदौलत है। तो पूज्यपाद गुरुदेव जी के आज 10वीं पुण्यतिथि है, और ज़्यादा न कहते हुए पूज्यपाद गुरुदेव जी को मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। आए आगे और इसी क्रम में विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ रीवा से पधारे हुए श्री संतोष भाई से, आप भी इस अवसर पर कुछ देर समय 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में आपको अपना वक्तव्य रखने की कृपा करें। आज कबीर आश्रम सकरी में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस आश्रम परिसर में पधारे हुए समस्त संतजन भक्तजन, आप सभी को सादर साहेब बंदगी प्रणाम। समय बहुत ही कम समय में बोलना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी बात मैं रखूँगा, कुछ संस्मरण है। साहेब जी के पुण्य स्मृति के अवसर में छोटे से बात संस्मरण के रूप में रखूँ। बचपन से साधु संत के आना जाना हमारे गांव में रीवा में लगे रहे, और वही समय हमला सदगुरु अभिलाष साहेब जब हम छोटे छोटे रहें तो हमारे भी आरा में होकर
आसन लगी इस ब्यारा में, उस समय टेंट हाउस नहीं रहा है, तो टट्टा वगैरह गाड़ी के और ये सब पैरा वगैरह में छावनी बना के और गुरु और शिष्य दोनों के वहाँ जगह रखे गए रही से। वो ग्राम पंचायत भवन वो समय उन्हें साहू समाज के एक ठो बोर्डिंग कहानजे में ओकर कार्यक्रम हुआ है, 7 दिन के साप्ताहिक कार्यक्रम। तो वो समय हमने लगे कि साहेब मन है घर में नहीं रहे, बाहर में रहते है, और बड़ा खुशी लगे कि हमारे ब्यारा में साहेब जी मन है रुके है। और वो स्थिति वो समय स्थिति परिस्थिति घर मन के भी ऐसे रहा है कि हमला साधु गुरु मल्ला ठहराए के लिए जगह भी नहीं रहा। और जमात नाम दे जाए जी साहेब मन के जमात आवत है, और जब भी जमात के नाम सुनते हैं तो दिल में बड़ा खुशी हुआ है। और हमारे गांव में जब जमात आवे तो साहेब जी मन के जो भ्रमण भाटा के लिए निकले हमारे ब्यारा से और पंडाल तक जाए घर तक जाए तो बहुत मन में उत्सुकता बने रहा है। तब से हम सदगुरु अविलास साहेब जी के ओकर विचार वाणी और हमारे गांव में कई बार आना जाना ये सब लगे रहा है। तो समय कम है तो एक संस्मरण में बतावत हूँ, जब हमारे पिताजी खत्म हुई तो ओकर पुण्य स्मृति के कार्यक्रम रखें तो यह सक्रिय आश्रम में आए। सन 2008 में हमला कार्यक्रम करवाना है साहेब जी के, और मकान भी बना रहे हैं तो कर साथे साथ उद्घाटन करवाना है। तो पता नहीं काकर घर बगल में रहा है तो साहेब जी में बोले गुरु जतन साहेब की साहेब जी ला थोड़ा से डेट लेना रही से अगस्त में 28 तारीख के, तो थोड़ा से चलते हो साहेब। तो गुरु जतन साहेब कहते कि अमृत साहेब ला मैं भेजत हूँ, अमृत साहेब संग जा। तो अमृत साहेब जी के साथ में यही आसपास घर कुछ दूर में वहाँ साहेब जी के आसन रहा है। वो अमृत साहेब जी कहते कि अभी जो अध्यक्ष साहेब वर्तमान में वो समय अध्यक्ष साहेब री से पूज्य श्री धर्मेंद्र साहेब जी है। तो साहेब जी नीचे आंगन में बैठ के खटिया में कुछ पारक प्रकाश के प्रूफिंग करत रही से, तो गेंद बंद की बनाए कैसे क्यों आए हो पूछी। साहेब जी कहते कि ये रीवा के भगत के लड़का है, ओकर पिताजी के पुण्य स्मृति के संबंध में साहेब जी ला आमंत्रित करेला है। तो साहेब जी कहते कि नहीं टाइम नहीं है और बेकार का अपना समय नष्ट मत करो, आप लोग जाओ, क्योंकि उनका रिजर्वेशन हो चुका है और वो नहीं जाएंगे, आप कुछ भी कर लो, आप लोग बेकार की वहाँ जाके वो मत करो समय खराब। और मैं मायूस हो गया, साहेब जी कहते हिम्मत नहीं हारन ना, ठीक है ना साहेब से डायरेक्ट मिलबोन, 5 मिनट रुक। वही मेरे खड़ा हो गए पर्ची में, साहेब जी उठ के मुँह कान धोवत रीस, उठे एक बात चलाओ साहेब जी से डायरेक्ट मिलबोन। फिर साहेब जी देख डरीस तुम्हें लग के हो, तुम नहीं समझो तो कहा नहीं जाए, साहेब जी के रिजर्वेशन हो गए, कोई टाइम नहीं मिल पाए। तो फिर भी अमृत साहेब जी हिम्मत करके लेगी इस बंदगी वंदगी बनाए, कहते क्या बात है साहेब जी, बोली क्या बात है बोलिए, मैं अपन बात न रखें कि मैं फलाना के लड़का और युवा के मोर पिताजी के पुण्य स्मृति प्रथम कार्यक्रम है, आप ले जाना है, मैं सादर आमंत्रित करे लाया हूँ, कब है 28 तारीख को, तो ठीक है ना 26 तारीख को हम लोगों का ध्यान शिविर का कार्यक्रम का समापन है और 27 तारीख रेस्ट रहता है और 28-29 को हमारा रिजर्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है चले जाएंगे, चलो ठीक है आएंगे। और आप हमारे भक्त के घर में जाना है और भक्त का लड़का निवेदन कर रहे तो जरूर मैं जाऊंगा। इतना भावुक और खुशी कि यदि हम वो साहेब जी से नहीं मिले रहते हैं तो हो सकते हमला बोले नहीं रहती इसकी जाऊं या नहीं जाऊं। तो इतना आनंद और खुशी हमारे उनके आंसू भी निकल गए। साहेब जी हमारे गर्गीस जोरदार स्वागत के साथ ओकर चरण पखारें और पुण्य स्मृति के संबंध में और बढ़िया से कार्यक्रम निपटाएं। तो ऐसे संत जो उतका बड़े पद में रह के भी एक छोटे से सेवक के जो बात है वो आग्रह ला नहीं टाली, सौ सीधा हमारे घर में है। तो
आज भी मैं पूज्य गुरुदेव जी के आचार विचार उकर वाणी से मैं प्रभावित हूँ और मैं का पूरा समाज प्रभावित है। आज जो कबीर पंथ में हमर जो विरोधी है वो बुरहानपुरिया पंथ जो चलते कबीर पंथ में नांदिया पंथ दामा खेड़िया खरसिया ये पंथ के नाम ले लेके कहते कौन से आश्रम से जुड़े हैं दामा खेड़ा से कौन से आश्रम से जुड़े खरसिया स्थान गुरु गद्दी वो बुरहानपुर वाला नाम छूट गया। अब सीधा सीधा वो मैंने बोलते कि अभिलाष दास वाला है माने वो जमाना रही से जिन समय बुरहानपुर वाला पंथ ऐसे कहा है अब वो नहीं कह के आदमी मन के सोच हो गए कि ये अभिलाष दास पंथ के सीधा सीधा पूज्य गुरुदेव जी के नाम से पंथ के नाम ला डाल दे। तो आज दूसरों जो पंथ के आदमी है पूज्य गुरुदेव जी के उत के सम्मान करते जत का हम होकर भक्त मन करथन और ऐसे ज्ञानशील विवेकशील आज हमर बीच में तो नहीं है लेकिन ओकर लिखे हुए जो साहित्य है आज संपूर्ण समाज ओकर अध्ययन चिंतन मनन करते और समय कम है मैं ज्यादा और नहीं बोलूं ऐसे संत और ऐसे महापुरुष ला मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपन बानी ला विराम देव तो सादर साहेब बंदगी साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सही है कि परम पूज्य गुरुदेव जी का पार्थिव शरीर हम लोग के बीच तो नहीं है लेकिन लगता नहीं है कि गुरुदेव जी हम लोग के बीच नहीं है क्योंकि उनकी यादें हमारे दिल में ऐसे हैं भरे हुए हैं कि हम भुलाए भूल नहीं पाते हैं। उनकी स्मरण उनके किए हुए कर्म उनके दिए हुए ज्ञान उनका प्रेम कोई भी गुरुदेव जी से मिलते लगता कि उनके ही हो जाते। हर व्यक्ति को लगता था जैसे गुरुदेव जी से एक बार मिल चुके हैं या मिल गए हैं उनको लगता था कि मुझे ही गुरुदेव जी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। हर व्यक्ति को महसूस होता था ऐसे थे गुरुदेव जी। तो आए इसी क्रम में और आगे विचार सुने भक्त राज श्री नोमी सिंह जी से जो ग्वालियर से पधारे हुए हैं हम लोग के बीच में आप उपस्थित हैं आप भी इस अवसर पर आकर के अपना विचार रखने की कृपा करें। श्री नोमी सिंह जी बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जय संत समाज की जय भक्तजन एवं सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं नोमी सिंह यादव ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज से 3 साल पहले हम लोग राम कृष्ण और हनुमान जी शंकर जी की उसकी पंथ में ही घूमा करते थे पढ़ते थे कबीर साहब को पढ़ते थे। एक संत थे हमारे यहाँ कबीर पंथ के ही थे वो रहते हनुमान जी के मंदिर पर थे लेकिन कबीर पंथी थे तो हम उनकी साखी सुना करते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे। उनसे थोड़ा सा प्रेम हुआ उनकी सेवा एवा की तो उनके साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद उनको समाप्त हुए तो हमको लगा कि हम किस तरह से इनका अंतिम संस्कार करें तो उनसे ही हमने कोई किसी कबीर को जानते ही नहीं थे हमारे यहाँ ना ही कोई आश्रम का पता ना कुछ पता तो वो कहते थे कि बेटा जैसे आपको लगे वैसे करना मैं तो हंस तो निकल जाएगा मिट्टी रह जाएगी उसको जैसे दफना देना। वो हमने उनका कार्यक्रम जैसे ही किया तो एक सज्जन दूसरे दिन हमारे पास आ गए। मैंने कहा भैया बताओ इनका कैसे क्या करना है। उसके पहले तक बिल्कुल कोई भी आदमी नहीं मिला जो ये कहने वाला हो कि कबीर पंथ है तो मैं भी उनको ले जाता साथ में। उन्होंने कहा कि इनका तो सत्संग होता है तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मुरैना जिला है मुरैना जिले में एक कबीर आश्रम है जो सोबरन साहेब और वहाँ के महंत थे अभिलाष साहेब कई बार वहाँ जा चुके हैं पहले उनको हमने बुलवाया तो उन्होंने 3 दिन का सत्संग हुआ। जब 3 दिन का सत्संग हुआ तो हमको लगा कि हमारी आंखों में जो पट्टी बंधी थी इतने सालों से वो खुली। उसके बाद जुड़ने के बाद जब कबीर में घुसे तो YouTube पर एक बार अभिलाष साहेब का फ़ोटो आ गया किसी भी तरह से। बस जिस दिन से उनको सुना तब से ये लगा कि अभिलाष साहेब के बारे में पता किया
आज तक सुनते चले आ रहे, फिर हमने उनकी उन संत की पुण्यतिथि मनाई प्रथम वर्षगांठ। तो वहाँ के जो संत थे मुरैना साइड के धौलपुर के, उन संतों को सुनाया, लेकिन उस बीच में अभिलाष साहब को सुना। सुनने के बाद फिर अनिल साहब को सुना, गुरमुख साहब को सुना, तो लगा कि इनसे कैसे मुलाकात की जाए। तो YouTube पर काफ़ी ढूंढा तो इलाहाबाद प्रयाग का पता मिला। तो पिछले साल हम लोग प्रयाग में गए, प्रयाग में जाके वहाँ अनिल साहब से मुलाकात हुई। तो हमने कहा साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम दें, अब हम आप में जुड़ चुके हैं। अनिल साहब ने प्रोग्राम दिया, पिछली बार हमने ग्वालियर में प्रोग्राम कराया था, तो सिवेन साहब अनिल साहब दोनों गए, गुरमुख साहब से समय मिल नहीं पाया। तो जब से जुड़े हैं तब से अब अभिलाष साहब को ही सुनते रहते हैं हम। तो ऐसे संत हमने आज तक नहीं सुने, बस यही था कि साहब ने कहा कि इस बार उनकी पुण्यतिथि मन रही है और यहाँ तक चले आए और आप लोगों में मिल गए। बाकी एक बात ज़रूर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो साहिब जी की कृपा रही वो शायद कहीं नहीं रही होगी, या जितना मैंने लोगों में कबीर के विचारों से, विचारों को मानने वाले जितने लोग देखे वो शायद कहीं देखे हो। और आप सभी लोग बहुत धन्य भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के चरण पड़े और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में एक अच्छी तरीके की मतलब लहर फैल गई है। और आगे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह गुरुदेव की कृपा बनी रहे तो हमारी तरफ भी इस तरह का हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नुमित सिंह जी। आपने अपने मन के जो भाव है उसको हम लोग के बीच रखे, और आगे मैं निवेदन करता हूँ साध्वी श्री सुबुद्धि साहब जी से कि आप भी इस विषय पर 5 से 7 मिनट के बीच में अपना वक्तव्य रखने की कृपा करें। साध्वी साहब, बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। मेरे अध्यात्म जीवन को पुष्पित पल्लवित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव जी को सत सत नमन, उनके श्रद्धांजलि के अवसर पर, और आप सभी को भी साहेब बंदगी। वास्तव में ये मानव जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आज सद्गुरु कबीर साहेब की एक पंक्ति याद आ रही है कि मुआ है मर जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, मुआ है मर जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहदानी रह गौ बोल। साहिब कहते हैं कि पहले के लोग मर चुके और तुम भी आज या कल में मर जाओगे, लेकिन सहदानी रह गौ बोल, तुम्हारी परिचय, तुम्हारा परिचय किससे होगा, तुम्हारी चर्चा, जो तुम अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो इसी से तुम्हारी पहचान होगी। तो आज सद्गुरु अभिलाष साहेब जी सशरीर नहीं हैं, लेकिन सद्ग्रंथ के माध्यम से और भक्तों के दिलों में आज भी विजित हैं। संत महापुरुष जो हैं कभी मरते नहीं, वे सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, और जब तक सद्ग्रंथ रहेंगे, जब तक भक्त रहेंगे, तब तक संत महापुरुष गुरुदेव जी जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। उनके चरणों में, उनकी यादों में एक छत्तीसगढ़ी भजन प्रस्तुत है। कबीर पंथ के सद्गुरु स्वामी जय होए तोरे नाम, कबीर पंथ के अभिलाष देवा अमर होगे तोरे नाम, ज्ञान भक्ति वैराग्य बतैया,
ज्ञान भक्ति वैराग्य बतैया अभिलाष देवाना, कबीर पंथ के सदगुरु स्वामी जय होए तोर नाम। 21 बछर में घर छोड़े माया मोहला सब छोड़े, 21 बछर में घर छोड़े माया मोहला सब तोड़े, सदगुरु राम सूरत मिलिए जन्म जन्म के भाग खुलिए, मुक्ति के रद्दा चले लगे ते, मुक्ति के रद्दा चले लगे ते वैरागी होगे ना, कबीर पंथ के सदगुरु स्वामी जय होए तोर नाम। जड़ चेतन के भेद लखे पारख ज्ञान लतै समझे, बीज की मेह खजाना गड़े नहीं जाने ये ला बड़े बड़े, जड़ चेतन के भेद लखे पारख ज्ञान लतै समझे, बीज की मेह खजाना भरे नहीं जाने ये ला बड़े बड़े, बीज की व्याख्या सरल में करके भाग जगा दिए ना, कबीर पंथ के सदगुरु स्वामी जय होए तोर नाम। कबीर पंथ के अभिलाष देवा अमर होगे तोर नाम, ध्यान लगा मुक्ति पावे सरग दुआरी ते जाबे, ध्यान लगा मुक्ति बोलिए सद्गुरुदेव की जय, ध्यान लगा मुक्ति पावे सरग दुआरी ते जाबे, आत्म ज्ञान के धन बाँटे गृहस्थी विरक्ति सब पागे, अहम शुद्ध चैतन्य बता के ध्यान शिविर लगाए ना, कबीर पंथ के सदगुरु स्वामी जय होए तोर नाम। कबीर पंथ के अभिलाष देवा अमर होगे तोर नाम, धन्य धन्य तोरे मात पिता धन्य धन्य तोरे गाँव होगे, धन्य धन्य तोरे मात पिता धन्य धन्य तोरे गाँव होगे, धन्य धन्य होगे कबीर पंथ धन्य धन्य ये जग होगे, धन्य धन्य गुरु शरण होगे तोरी दर्श ला पाके ना, कबीर पंथ के सदगुरु स्वामी जय होए तोर नाम, कबीर पंथ के अभिलाष देवा अमर होगे तोर नाम, ज्ञान भक्ति वैराग्य बतैया अभिलाष देवाना, कबीर पंथ के सदगुरु स्वामी जय होए तोर नाम। बोलिए सदगुरु देव की जय। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु
अभिलाष देव को मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आगे इसी क्रम में विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ भक्त राज से द्वारका प्रसाद साहू जी से कि आप भी इस अवसर पर अपने वक्तव्य हम लोग के बीच रखने की कृपा करें। पांच मिनट तो बोलना। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। वैसे तो यहाँ कार्यक्रम 1 तारीख से चालू है और आज हम लोग अंतिम दिन में पहुँचे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो पूज्य गुरुदेव जी अभिलाष साहेब जी के स्मृति में है। अभी काफ़ी हमारे भक्तराज लोग और हमारे साध्वी जी और हमारे संत जी लोग काफ़ी कुछ कहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित गुरुजन गुरुभूषण साहेब जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, वो हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर पे हमें आप, वैसे तो लगातार 5 दिन से चली रहा है, आज और हमको सुनने को मिलेगा। और आज इसलिए ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में आप रहे हैं, तो हम उनका ही ज़्यादा लाभ लेना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा अपना विचार रखूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई मानंदी वाले लोग होते जो मूर्ति पूजा करते हैं, अगर उन लोग होते तो आज निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव जी को भगवान तो पक्का मान लेते। और कबीर साहब का ही अवतार मानते, ये भी कटु सत्य है। और ये बात को मैं महसूस करता हूँ कि कबीर साहब का ही अवतार के रूप में अगर कोई श्री अभिलाष साहब का जन्म हुआ और इतना प्रखंड विद्वान महात्मा जो पारख सिद्धांत को कितना ऊपर ले गए, उसका सीढ़ी कितना सीढ़ी बना गए, ये कल्पना से बाहर है। इतना दूर पहुंचा दिए, उनके रहते आप देखिए कि कितने भक्त जुड़े, कितने संत बने। छत्तीसगढ़ के लिए तो कुछ कहना मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ से ही मेरे नज़र में तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई संत हुए हैं तो छत्तीसगढ़ से हुए हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी परम सौभाग्य की बात है। ऐसे महात्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे मालूम है इसी आश्रम में श्री धर्मेंद्र साहेब जी थे जब शरीर शांत हुआ तो, और तुरंत फोन गया मेरे पास और मैं साहेब जी को बाय रोड अपने गाड़ी में स्कॉर्पियो में लेकर के इलाहाबाद पहुंचा। उस बीच में लगातार साहेब जी से बातें होते रही। हम लोग क्या कोई समझ नहीं पाए, पूरे हिंदुस्तान के भगत समझ नहीं पाए कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन साहेब जी तो बार बार बोलते हैं कि मरने का बिल्कुल याद करके रखिए, एक दिन सबको जाना है, ये निश्चित है, जो आया है वो पक्का जाएगा, और उसको याद करके ही रखिए कि हमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जीते जी जो करना है, जो परमार्थ का काम करना है वो कर लो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा कष्ट मेरे जीवन में, पिताजी थे उस समय, मेरे जीवन में आया। 80 में बाबूजी ने मुझे
अध्यापक साहब जी जो बुरहानपुर के प्रवक्ता थे, बीजक पाठ कराते थे, बीजक का प्रवचन कराते थे, संतों को सिखाते थे। उस साहब जी का आगमन हुआ था रीवा में, तो 80 में मुझे कार्यभार सौंप दिए थे पिताजी ने। तो करीब 90-91 की बात है, साहब जी दर्रा में थे, एक बहुत जटिल समस्या आया था, तो बाबूजी और हम दोनों गए। उस समय मेरे पास राजदूत था, साहब जी से मुलाकात की, कष्ट को बताए, मैं बताते बताते रोने लगा। तो मुझे ऐसा, मतलब मैं सोच नहीं सकता, साहब जी अपने स्थान से उठे और जब अपन जहाँ थे वहाँ आ गए, और उसके बाद मुझे गले लगा लिए ऐसा। तो मैं, मेरा शरीर ऐसा लगा कि अब है ही नहीं है। मैं महसूस किया इस चीज़ को कि पहले काफ़ी भक्तों के साथ ऐसा गले मिल लेते थे स्वामी जी। तो ऐसे जो उनके मन में जो हमारे 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 को उस समय जो समझाया साहेब जी ने, हमारे सारी कष्ट मतलब उसी समय दूर हो गया। उसी समय ऐसा लगा कि हम जो कष्ट लेकर के वहां गए थे वो समाप्त हो गया। ऐसा हमको बहुत कम समय में साहेब जी ने समझाया, बाबूजी भी थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज हमारे बीच में जरूर है, जरूर नहीं है, लेकिन उनके साहित्य इतना है, उनके लिखे हुए लेख इतने हैं कि अगर हम उसके ऊपर विचार करें, उसको पढ़ें लिखें। और वैसे तो पूज्य गुरुदेव जी लोग सारी बातें बता रहे हैं हमें, जो इस कबीर पंथ में जो परिवार ने जन्म लिया और जो पारक सिद्धांत को मान लिया, तो निश्चित है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता अच्छा बनेगा, अच्छा निकलेगा, अच्छा बनेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही निवेदन कि आप लोग इस कबीर संस्थान सकरी में हमारे गुरु जतन साहेब जी जो लगातार बहुत अच्छा प्रयास साहेब जी का, कोई भी महान संताए, बड़े संताए, उनका यहाँ आगमन और 365 दिन साहेब के जी के मन में विचार आते रहता है कि यहाँ पर अच्छा संतों का आगमन हो और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहूँ, ऐसा विचार साहेब जी के मन में आया और वो लगातार चल ही रहा है। और कोई आश्रम में भला आना जाना कम हो, लेकिन साहेब जी के माध्यम से सकरी कबीर आश्रम में काफ़ी बड़े संतों का आगमन होता है और लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहां के हमारे भक्तगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो साहेब जी के एक बार कहने से काफ़ी अच्छी संख्या में उपस्थित होकर के उनका लाभ उठाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव जी नहीं हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई पुस्तक, उनकी उनसे जो मिले हैं, उनके उनसे जो उनके साथ जो सत्संग में बैठे हैं, मिले हैं, चर्चा किए हैं, उसको थोड़ा स्मरण करें तो ऐसा लगता है कि आज भी साहेब जी हम लोग के साथ हैं, आज भी उनका विचार थोड़ा अध्ययन करें। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पुस्तक का अध्ययन कम करता हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करता, लेकिन रोज प्रतिदिन साहेब जी के उपदेश सुनता हूँ। जितना टाइम मिल जाए, कभी भी खाली रहूँगा मैं, तो ज़रूर अपना मोबाइल चालू करूँगा और साहेब जी का प्रवचन, जैसे पूज्य गुरुदेव जी यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले का प्रवचन मैं पूरा सुना साहेब जी का, अभी जो आपने भेजा वो मैं प्रवचन सुना। तो ऐसा थोड़ा सुन लो, थोड़ा विचार कर लो, तो कितना भी कष्ट रहे, कितना भी परिवार में, चूंकि हम परिवार से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग का एक
घर में हम लोग घर चलाते हैं, खेती करते हैं, तो निश्चित है थोड़ा 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 कष्ट तकलीफ आते रहता है। वैसे तो सबके जीवन में कष्ट आता है, लेकिन हम लोग चूंकि परिवार में हैं इसलिए जरूर कुछ ज़्यादा ही आता है। तो थोड़ा विचार को अध्ययन करो, थोड़ा उसमें मनन करो, तो सारी कष्ट दूर हो जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज अगर कोई मन में, आप लोग के मन में सब थोड़ा थोड़ा बात आते रहे, वही साहेब जी के लिए सचमुच श्रद्धांजलि होगी। यही निवेदन के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।